जिसको कि नकारा नहीं जा सकता और महाराष्ट्र की जनता। सर क्या उद्धव की जो स्थिति है उनका कहना है कि इसके पीछे मोदी जी और... नमस्कार दर्शकों, जेटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर रविशंकर श्रीवास्तव जी। सर आज हम आपसे शिवसेना विषय पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे। शिवसेना का जो नाम और पार्टी सिंबल छीनने के बाद उद्धव गुट लगातार शिंदे गुट और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्या उद्धव गुट के जो हालात हैं वो आज उनके घमंड के कारण है, इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसमें गिर फाड़ करें, इसकी ऑटोप्सी करें, देखें कि इसमें क्या था, तो यही समझ में आएगा कि इसके पीछे उद्धव गुट की, उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे उनके क्रियाकलापों का ही नतीजा है जो आज वो इस स्थिति में पहुँचे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने उनको सिंबल दे दिया, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो चल रहा था, वो अलग विषय है, लेकिन इस सिंबल के विषय में जो उनका चुनाव चिन्ह था और पार्टी की को एक शिवसेना के रूप में मान्यता देना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिसको कि नकारा नहीं जा सकता और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो भी इसको पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो शिंदे ग्रुप में गए हैं, शिंदे ग्रुप एक बहुत बड़ा शक्तिशाली ग्रुप बन के उभरा है महाराष्ट्र की शिवसेना के परिप्रेक्ष्य में। अब देखिए ग्रुप उन्होंने तोड़ा, ये घमंड की बात, जब अहंकार की बात आती है तो शिवसेना ने अपने अहंकार में क्या क्या काम नहीं किए, पब्लिक भी आज उनके साथ कितनी है कितनी नहीं है ये तो वक्त बताएगा, जब जनरल इलेक्शन में जाएंगे, लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है अगले साल, पता चलेगा कितने लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर बाई एंड लार्ज ये देखने में आ रहा है कि इनके द्वारा ये कुछ प्रकरण ऐसे हुए कि एक तरफ से लूट खसोट, मनमाने ढंग से पैसा बटोरना मार्केट से, मनमाने ढंग से दिशा सालियान का केस, सुशांत सिंह का केस, पालघर में साधुओं की हत्या, ये सब बड़े विषम विषय हैं, बहुत जिनपे अभी भी जो जिनका समाधान नहीं निकला है, कभी कहीं में देखो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, कई मामले अभी लंबित हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए रिपब्लिक टीवी के जो अर्णब गोस्वामी जी हैं, जो रिपब्लिक टीवी के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने बनाया है, जो उसके एडिटर इन चीफ है, उन तक को उन्होंने मतलब बिना बात भेज दिया जेल में, जेल तक भी डाल दिया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया, एक नेवल ऑफिसर के साथ दुर्व्यवहार किया, ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? ये सब दिखाती हैं कि उनका अहंकार। खैर अब जब ये सिंबल आ गया है तो जिस पास सब कुछ था, जैसे मैंने पहले भी कहा, आज की तारीख में उनके पास क्या बचा है, तो नेचुरली कुछ करेंगे क्या अब सिवाय सुप्रीम कोर्ट में जाने के और शो हो हल्ला मचाने के, शोर शराबा करने के, कुछ है नहीं। अगला प्रश्न है सर, क्या उद्धव की जो स्थिति है उनका कहना है कि इसके पीछे मोदी जी और अमित शाह जी का हाथ है, आप किस हद तक इस बात को सही मानते हैं? देखिए सत्यता क्या है, ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और पॉलिटिकल पार्टी तो देखिए हर चीज़ में, चाहे बीजेपी हो या शिवसेना हो या जो उनकी गाड़ी सरकार थी जो चल रही थी, हर एक आदमी माइलेज लेना चाहता है और कौन अपने आप को गलत कहता है। आज के जो परिदृश्य चल रहा है, परिवेश में जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं, अब ये तो कह देने या किसी चीज़ को आक्षेप लगाना या किसी को ब्लेम करना तो सबसे आसान काम है, लेकिन इन अपने अपने पक्ष को मजबूती से पेश करना, आपका पक्ष कितना सही और कितना गलत है इसको ना मैं कह सकता हूँ ना कोई कह सकता है, इसको तो सिर्फ जनता ही तय कर सकती है। और देखिए अगले साल चुनाव आ रहा है, पता चल जाएगा, इससे पहले बीएमसी में चुनाव है निकाय, उसमें पता चल जाएगा, ये सब उसी की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि इसमें मोदी या अमित शाह जैसे आपने कहा। देखिए ये सब अपने अपना वक्तव्य देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा पैमाना है वो जनता है और उनके क्रियाकलाप है, जनता पे जो इम्प्रेशन जा रहा है, अहंकार की छवि, अहंकार की छाया, उनके द्वारा कृत्यों की जो मतलब प्रतिलिपि सामने आई है, जो बातें सामने आई हैं वो सब सामने आ जाएंगी। ठीक है सर, क्या उद्धव जी कांग्रेस के साथ अपनी विचारधारा बना पाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए कांग्रेस के साथ विचारधारा बनाना ना बनाने का मतलब ही नहीं है, हमें याद है जरा आज भी
कई सारे वीडियो मार्केट में हैं और वैसे भी रिकॉर्डेड है कि जो बाला साहब ठाकरे थे वो कांग्रेस के जड़ विरोधी थे। उन्होंने हिंदुत्व की छवि को कभी नहीं छोड़ा और अपने आप को हिंदू सम्राट स्थापित करने में जो उन्होंने अपने आप को इतनी मेहनत की उस छवि को बिगाड़ने की वजह से उद्धव की छवि बिगड़ी है। अभी कितना बना पाएंगे कितना नहीं बना पाएंगे, विचारधारा कौन सी इनकी रही जब उन्होंने अपनी मूल विचारधारा को ही छोड़ दिया। पार्टी और इलेक्शन कमीशन ने भी इसी मूल विचारधारा के मानकों को ध्यान में रखते हुए ही अपना निर्णय दिया है। इन्होंने कौन देखिए 76 पेज का जजमेंट दिया, उस जजमेंट में इलेक्शन कमीशन ने मुख्य तीन बिंदुओं का सहारा लिया। पहला क्या था, पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन। जब पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसका नियम शर्तें बनती हैं, परिवेश बनता है, बैकग्राउंड होती है, पृष्ठभूमि होती है, कैसे उसका देखा गया। दूसरा उद्देश्य क्या था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव आर द प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिराइविंग अ नैरेटिव। तो जब इन्होंने उनके मुख्य उद्देश्यों को देखा पार्टियों में, वो सब लिखित हैं, इंस्क्राइब्ड हैं, और तीसरा जो देखा कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जनतंत्र का मूल आधार होता है मेजॉरिटी, उसमें से MLA आज इनके पास कितने, इतने पास कितने प्रूव हो गया इन सब चीज़ों को। दूसरा एक इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक सादिक अली वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 का एक केस था सुप्रीम कोर्ट में जिसका निर्णय हुआ था, उसका भी उन्होंने उसके परिप्रेक्ष्य में उसका विचार उसका रेफरेंस लिया है। उसमें भी कुछ सिमिलर था और उसका भी उल्लेख किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने जब अपना जजमेंट दिया है तो मैं नहीं समझता उस जजमेंट में कोई खामी होनी चाहिए, बिकॉज इलेक्शन कमीशन अपने आप में एक एंटिटी है और सुप्रीम कोर्ट भी इलेक्शन कमीशन के जजमेंट के खिलाफ जाने में मेरे ख्याल से एक ही बिंदु बनता है, पॉइंट बनता है, वो है नियमन, नियमानुसार हुआ है नहीं हुआ है। अगर नियमानुसार हुआ है तो जी सर। सर खबरें आ रही है कि चुनाव चिन्ह का जो फैसला है वो अभी भी बदल सकता है, तो अगला फैसला जो होगा वो क्या लगता है आपको, किसके पक्ष में आएगा? ये तो कहना बहुत, जब ये इनका रिव्यू होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी इन सब चीज़ों को मेरिट पे रिव्यू करता है, और मेरिट पे रिव्यू करने का मतलब होता है कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से चलना है। और इलेक्शन कमीशन अब भी अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके अपने अधिकार हैं जो संविधान में उनको मिले हैं, उन अधिकारों का उल्लंघन करते हुए हुआ है तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। लेकिन जो भी निर्णय जी सर जो भी निर्णय होगा हम लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आगे भी हम आपसे ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।